ना कोई उस पल को लेके आएगा जग में जो एक नया परिवर्तन के पन्नों पर सच की है परछाइयां शब्दों में बंधना सकी उस युग की सच्चाइयां जिनसे हुआ धरती पर My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began. So is it now I am a man. So big it when I shall grow old or let me die. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ये एक लड़के के लिए मैं पूरा स्कूल को बंद नहीं होने दूंगा। The child is the father of the man, and I could wish my days to be bound each to each by national piety. You get out. But sir, sir, you cannot take him out. इसे बोर्ड स्कूल में दाखिल किया है। मुझे बोर्ड की कोई परवाह नहीं। क्या आपको नजर नहीं आता है कि इस एक लड़के के वजह से पूरा स्कूल बंद होने की नौबत आ गई है? क्या सुनाई नहीं देता है? चलो बाहर, गेट आउट। करा क्या है? अच्छा, नहीं मानोगे? मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अब पूरी जिंदगी याद रखोगे। ये आप क्या कर रहे हैं सर? यही जो मुझे आज से बहुत दिन पहले करना था। चलो। आज के बाद फिर कभी स्कूल में पैर नहीं रखना, समझो?
तेरे बेटे का कातिल कौन है? ये नदी नहीं, बगली नहीं, ये तो गंगा माँ है। अपनी धारा में आने वाली हर चीज को बहा लेती है। उसे मारने वाले वो अमीर लोग हैं जिनके हाथों में ताकत होती है, इज्जत होती है। मैं इस पवित्र जल की कसम खाता हूँ हीरा, मैं चंद्रनाथ के मौत का बदला लूंगा, जरूर बदला लूंगा। अगर जिंदगी में मैंने एक भी अमीर जादे को बर्बाद किया तो चंद्रनाथ के जरूर को जरूर शांति मिलेगी हीरा, जरूर शांति मिलेगी। ऐश आराम की जिंदगी जीने वाले अमीरों, तुम्हें हीरा बुलबुल के बेटे चंद्रनाथ के मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, कीमत चुकानी पड़ेगी। शांत हो जा, चल। अंग्रेजी व्याकरण, प्रभु जी दो मुझे शरण। नाउन याने संज्ञा, प्रोनाउन याने सर्वनाम, एडजेक्टिव याने अलंकार। पुस्तके अगर ना होती तो कितना सुंदर था संसार। अरे नवीन, ये क्या हो रहा है, पागल तो नहीं हो गया? देखो माँ, बरसात, अंग्रेजी व्याकरण की बरसात। तू हंसेगी? ऐसे खिलखिला कर हंसने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अरे तुम जो कर रहे हो वो देखकर मुझे याद आया कि मैं भी तुम्हारे भैया की पुस्तकों की ऐसी ही धज्जियां उड़ाने की सोचा करती थी। धज्जियां तुम कैसे उड़ा सकती हो? यह अधिकार उसे ही है जिसे ये पता हो कि पुस्तक के अंदर क्या है। तुम्हें तो पुस्तक को छूने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि तुम मूर्ख हो। नवीन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुमने मुझे मूर्ख कहा तो कैसे कहा? है? नौकर लोग उस ब्राह्मण को पकड़ लाए हैं जिसने दान में मिली हुई गाय को कसाई के हाथ बेच दिया था। माँ, तुमने मुझे वचन दिया था ना कि अगर वो दुष्ट पकड़ा जाए तो मैं उसे दंडूंगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक वचन देना होगा, तू उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। वो बुरा सही लेकिन ब्राह्मण है। उसने हमारे घर में पूजा की, तुमने उसे दान में गाय दी और उस दुष्ट ने उसे कसाई के हाथ बेच दिया।
वो ब्राह्मण जाति के लिए कलंक है, उसे कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा। नवी, बचपना छोड़, ब्राह्मण की शिका एक पवित्र वस्तु है, छोड़ दे मैं कहती हूँ। हंस मत। माँ, ये ब्राह्मण नहीं है, ये दुष्ट है, इसलिए ही ये शिका नहीं चूटिया है, और इसको इसी तरह काटा जाएगा जैसे अब्दुल कसाई जानवरों को काटता है। नवीन, शांति, ओम 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 शांति, नवीन शांति, ओम शांति। भैया, भैया आपने इससे भी सुंदर चोटियाँ कहीं देखी है? ये सब क्या उपद्रव मचा रखा है तुमने छुटकू? मतलब आपको ये चोटियाँ पसंद नहीं आई? सुनो नवीन, तुमने अपनी सारी पुस्तकें फाड़ दी, कितनी बुरी बात, और ऊपर से ये पराक्रम, तुम क्यों इतने बिगड़ते जा रहे हो नवीन, क्यों? आप अगर चाहते हैं कि मैं सुधर जाऊं तो मुझे फिर से स्कूल में भर्ती करवा दीजिए। ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा। माँ से बात कर क्या होगा, आप वकील चाचा से बोलिए ना, माँ तो वो ही करेगी जो चाचा कहते हैं। भैया, माँ चाचा की हर बात क्यों चुपचाप मान लेती है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं माँ से पूछूंगा। बेमतलब का प्रश्न मत कर गंगा। ये बेमतलब का प्रश्न नहीं है माँ, बरसों से ये प्रश्न मेरे मन में घूमता रहा है, लेकिन आज ये प्रश्न मैं तुमसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नवीन ने मुझसे ये पूछा है। माँ, तुम विधु चाचा की हर बात क्यों मान लेती हो? बोलो माँ, बोलो। क्योंकि वो तुम्हारे बाबा के मित्र हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे घरेलू बातों का अंतिम निर्णय भी उन्हीं के हाथों में हो। उन्होंने चाहा तो वो स्कूल जाने लगा, उन्होंने ना कर दी तो उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है गंगा, जब तुम्हारे बाबा घर की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप गए हैं तो मुझे, तुम्हें या नवीन को उनसे प्रश्न करने का क्या अधिकार है? गंगा, मालती, मालती। हाय मालकिन। विदु बाबू के यहाँ जाके कहो मैंने उन्हें तुरंत बुलाया है। जी। आप कुछ तो कहिए, आज तक हर मुसीबत में आप ही ने मुझको राह दिखाया है। आज गंगा नवीन का प्रश्न लेकर मेरे पास आया है, कल नवीन भी प्रश्न कर सकता है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, चुप रहूंगी। हाँ, और फिर बच्चों के सवालों पर बड़ों का परेशान होना ठीक नहीं। फिर भी मुझे डर लगता है। मैंने कहा ना, सब मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, पर आप नवीन के बारे में कुछ कीजिए, जब से आपने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया है उसे संभालना मुश्किल हो गया है। दरअसल मैं नवीन के बारे में ही तुमसे बात करने आया था, मैंने उसके योग्य एक लड़की देखी है, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन वो तो सिर्फ 10 साल का है। जब मैं 10 साल का था मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, मैंने सब सोच लिया है, अगले महीने की 15 तारीख को नवीन की शादी कर देंगे। क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा, बड़ा हो या छोटा, शादी के बाद सबके जीवन में परिवर्तन आता है, नवीन के जीवन में भी परिवर्तन आएगा, जब दुल्हन के रूप में उसे एक सुंदर सी गुड़िया मिलेगी
तो स्कूल का नाम भी नहीं लेगा। गंगा, गंगा मेरी बात तो सुन, तो गुस्सा क्यों करता है? तुम माँ होकर उसका जीवन नष्ट करना चाहती हो? मैं उसका बुरा नहीं चाहती गंगा, मैं उसे खुश देखना चाहती। लेकिन वो जानता भी है विवाह होता क्या है। वो समझने के लिए उसकी सारी जिंदगी पड़ी है। तू जानता है जब से उसने अपनी विवाह की बात सुनी है वो कितना खुश है, बांसुरी बचाता फिरता है। नवीन चुप हो जा। देखो नवीन, तुम अभी ब्याह नहीं कर सकते, समझे?